सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिल्ली 249 ब्रिज दिखाने वाला हूं। उसके साइड में नया ब्रिज बनाया जा रहा है, तो साइड में आप लोग देख सकते हो ये ब्रिज बनाया जाएगा और ये आ रहा है सादरा की साइड से और जाएगा पुरानी दिल्ली यानी कि सलीमगढ़ किले के पहले ये लेफ्ट में कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से बनाया जा रहा है और ये इसका जो बनाने का इसका जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वो 1997 में हुआ था और उसके बाद में ये योजना लटका दी गई। फिर उसके बाद में इस पर सन 2003 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में फिर इसकी योजना लटका दी गई थी। और इसकी योजना इसलिए लटका दी गई थी कि ये यमुना रिवर पर जो ब्रिज के जो पुल बन पिलर बनाए गए हैं उन पर फाउंडेशन का काम थोड़ा दिक्कत कर रहा था, इस वजह से ये योजना को रोक दिया गया था। और अब इसमें फिर उसके बाद में इसमें सन 2016 में इसको लागू किया गया, फिर उसके बाद में कोरोना आ गया और फिर ये बंद कर दी गई थी। तो अब ये 2022 में इसका काम चलना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। और ये आपको बता दूँ, ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये कैंटिलेटर मेथड मशीन द्वारा ये ब्रिज को बनाया जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये नीचे का नज़ारा है और ये अभी हम ऊपर खड़े हुए हैं, तो आप अभी आप लोगों को नीचे भी लेके चलेंगे और पुराने वाले पुल को भी दिखाएंगे। अब रेलवे के हिसाब से जो पुल नंबर है वो है 249 और ये काफ़ी लंबा चौड़ा हमारे इंडिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। और ये अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था और ये 3 साल के अंदर बना लिया गया था। ये 1863 में बनाया गया था और ये 66 में बन के तैयार हो गया था और फिर उसके बाद में 67 में ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ये डबल डेकल ब्रिज है पुराना वाला जो दिल्ली यमुना रिवर पर बनाया गया था। और आपको बता दूं गाइस कि ये पुरानी दिल्ली से और सादरा के लिए ये पुल जोड़ता है। आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो मियाद थी वो बिल्कुल ज़्यादा हो चुकी है, ये 150 साल पुराना पुल हो चुका है, तो ये कभी भी दिक्कतों का सामना कर सकता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से नीचे से वाहन चलते हैं और ऊपर से रेलगाड़ियाँ इस पर दौड़ती हैं और भारी भरकम, क्योंकि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहीं पर ये जाती हैं और आती हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसके साइड में अब नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। और इस पर जब ये बना था उस टाइम पर तब इस पर आम पब्लिक से चार्ज भी लिया जाता था, देख सकते हैं ये चार्ज खिड़की बनी हुई है, यहाँ से इस पर चार्ज लिया जाता था। जो इधर से उधर जाता था यमुना रिवर को क्रॉस करता था उस पर चार्ज इस ब्रिज पर लिया जाता था। और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, 150 साल पुराना, इस पर जंग लग चुका है और ये अब कभी भी इसके साथ हादसा हो सकता, तो इस वजह से इंडियन रेलवे ने सोचा कि इसके बगल में ही नया ब्रिज बनाया जाए, उस पर गाड़ियां चलाई जाएंगी, इंडियन रेलवे द्वारा इस पर गाड़ियां दौड़ेंगी नए पुल ब्रिज पे और पुराने वाले पे ही ये आम पब्लिक को आने जाने के लिए बना दिया जाएगा। तो ये मतलब कि रेलगाड़ियाँ नहीं दौड़ेंगी इस पर पुराने वाले ब्रिज पर, अब नए वाले ब्रिज पर दौड़ा करेंगे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि कितना फाउंडेशन बन चुका है, कितना कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो देख सकते हैं ये इसके अंदर 14 पिलर बने हुए हैं, 14 पिलर पर ये स्टैंड किया जा रहा है नया वाला ब्रिज और ये सन 2003 से ये बनता हुआ आ रहा है और अब तक नहीं बन पाया है क्योंकि ये भारत द्वारा लैस है,
तो देख सकते हैं भारत में कैसा ये पेंडिंग रहता है काम। और अंग्रेजों द्वारा जो ब्रिज बनाया गया था वो 3 साल के अंदर उस टाइम पे कंप्लीट कर लिया गया था, और उस पर बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन किया गया था। और जो इस पर नदी के अंदर जो इस पर पिलर बनाए गए हैं वो बेल फाउंडेशन, वो ईंटों द्वारा बनाया गया, और इस पर कंक्रीट की मदद से बनाया जा रहा है जो नया वाला ब्रिज है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और अभी आपको यमुना रिवर भी आगे दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये स्टैंड किया जाता है, ये कैंटिलीवर मेथड मशीन द्वारा इसको स्टैंड किया जाता है, और काफ़ी भारी भरकम ये मशीन होती है, काफ़ी लोहा ये उठा लेती है, काफ़ी टन लोहा को ये स्टैंड करती है, और वही इसको जोड़ता है। और आपको बता दूं कि इसके जो कोने जहाँ से जोड़े जाते हैं इसमें 500 नट बोल्ट लगाए जाते हैं और फिर उनको इंस्टेट किया जाता है। तो देख सकते हैं ये ब्रिज के जितने भी ये पार्ट्स हैं ये रखे हुए हैं, ये यहाँ से क्रेन द्वारा जाते हैं, फिर उस पर वेंटिलेटर मशीन द्वारा इसको स्टैंड किया जाता है, जोड़ा जाता है, और फिर इसके नट बोल्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से कस दिया जाता है, और कहीं पर इन पर भूल चूक ना हो तो इस वजह से। और इस पर आपको बता दूं कि पुराने वाले ब्रिज पर अभी जो इंडियन रेलवे की गाड़ियां दौड़ती हैं वो बहुत ही उनकी मंदी स्पीड होती है, क्योंकि उसकी पुराने ब्रिज की मियाद ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से। और ये नया वाला ब्रिज बनाया जा रहा है, इस पर अब गाड़ियां तेज़ी के साथ निकल जाया करेंगी, या मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, कैसी भी हो, इस पर अब तेज़ी के साथ में दौड़ा करेगी। तो अभी हम चल रहे हैं कि किस तरीके से इस पर फाउंडेशन बनाया जाता है, वेल फाउंडेशन, कितने पिलर बन चुके हैं, कितने बाकी हैं, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा और बताने की भी। तो बने रहिए, देख सकते हैं वो मशीन लगी हुई है, कैंटिलीवर मेथड मशीन, वो ऊपर स्टैंड की गई है, और वो हुई इसको स्टैंड करती है, किस तरीके से लगाती है, कैसे जोड़ती है, वो इस मशीन के द्वारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो आप लोगों को दिखाएंगे आगे चल के। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो केपी संत को, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेशनल देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। दोनों साइड में देख सकते हैं ये जो ब्रिज के पार्ट्स हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि ये सरियां रखी हुई हैं, जो आगे पिलर बनाए जा रहे हैं वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आगे चलते चले जा रहे हैं और यमुना रिवर के किनारे पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं ये लग रही है कैंटिलीवर मेथड मशीन इस पिलर पे यहाँ पे, और ये आपको बता दूँ 7 पिलर ये हो गए हैं, और 8वां 9वां पिलर ये है जिस पे अभी पिलर कैप का काम किया जा रहा है, वो भी आपको नज़दीक से दिखाते हैं चल के, और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इस पर बेल फाउंडेशन बनाया जाता है और किस तरीके से इस पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है, और काफ़ी मजबूती के साथ में ये पिलर बनाए जाते हैं। आपको बता दूँ यमुना रिवर के अंदर पानी के अंदर बहुत मजबूती के साथ में इस पर पिलर बनाए जाते हैं। ये है देख सकते हैं कैंटिलीवर मेथड मशीन किस तरीके से ये जोड़ती है पिलर को, ये ब्रिज को जोड़ रही है, किस तरीके से जोड़ती है वो आप लोग अपनी आंखों से देखो। और देख सकते हैं जहाँ जहाँ इसके जॉइंट हैं वहाँ पर 500 होल होते हैं, 500 नट बोल्ट लगाए जाते हैं। देखिए अब आगे आ गए हैं, ये देख सकते हैं इस पर अभी इस पिलर पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है, वही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और आगे का भी बेल फाउंडेशन बना लिया गया है, और उसके बाद में फिर यमुना रिवर का इसमें पानी भी कम किया गया है क्योंकि इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस यमुना रिवर पर पुरानी दिल्ली में जो पुराने ब्रिज के बराबर में ही नया ब्रिज स्टैंड किया जा रहा है, देख सकते हैं ये है कैंटिलीवर मेथड मशीन द्वारा इस ब्रिज को स्टैंड किया जाता है, जोड़े जाते हैं इसके पार्ट्स को, और अब ये कैंटिलीवर द्वारा ही एक पिलर से दूसरे पिलर को ये जोड़ेगा। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा, आप लोग देखने के लिए बने रहिए केपी संत के चैनल पर। देख सकते हैं ये पिलर कैप का काम किया जा रहा, पिलर कैप बनाया जा रहा, और जब पिलर ये पिलर कैप बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब इसको कैंटिलीवर मशीन के द्वारा मजबूत किया जाएगा।
तो देख सकते हैं दूसरा इस पर फाउंडेशन बना लिया गया है, ये पिलर का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया गया। अब इसमें रिंग लगाए जाने हैं और रिंग लगाए जाने के बाद में इस पर कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा और भर जाने के बाद में फिर इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये अब पानी के अंदर भी इसमें 5 पिलर अभी बाकी बचे हुए हैं जिनका बेल फाउंडेशन बनाया जाएगा। काफ़ी क्योंकि काफ़ी ज़मीन के अंदर बेल फाउंडेशन बनाया जाता है, पहले बेल फाउंडेशन बना के फिर इसको नीचे से नीचे ये धंस जाता है, जब जाके ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर इसकी जगह होती है, जहाँ इसे पहुँचाना होता है वहीं पर ये पहुँच जाने के बाद में फिर इस पर पिलर स्टैंड किया जाता है। तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा सलीमगढ़ किला, उसके बराबर से ही ये लेफ्ट में हो जाएगा क्योंकि पहले ये सलीमगढ़ किले के अंदर आ रहा था ब्रिज, तो तब ये योजना बंद कर दी गई थी और उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इसको फिर सर्वे हुआ, फिर सर्वे के बाद में फिर सलीमगढ़ किले को बचा दिया गया। उसके साइड से ही आगे ब्रिज ये पुराने वाले ब्रिज में ही लाइन कनेक्ट कर दी जाएगी, यहाँ से लेफ्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं अभी ये 3-4 पिलर बचे हुए हैं, बाकी इनका बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है और एक एक पिलर को ही अभी कंप्लीट किया जा रहा है, फिर वेंटिलेटर मशीन मेथड द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी इस पिलर पर काम किया जाएगा, इसके रिंग बनाए जाएंगे, रिंग बनाए जाने के बाद में इस पर कंक्रीट द्वारा भर दिया जाएगा और भर जाने के बाद में उस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो 150 साल पुराना ये दिल्ली का पुराना ब्रिज हो चुका है और इस पर कभी भी खतरा हो सकता है, तो इसी वजह से इस नए वाले ब्रिज को बनाया जा रहा है इंडियन रेलवे द्वारा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और आप लोग हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, हमारे फेसबुक पेज को भी और हमें इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।